अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सूबे आवामी अदालत में मां आया ज़ुहैब ज़रदारी व्यूअर्स आज प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में असा इंतहाई अहम जेका अजोकी एकड़ी वरी ब्रेक थ्रू आ है पाकिस्तान के हवाले से एकड़ी वरी खबर है पान उन के पाकिस्तान की मौजूदा हालतों में एकड़ी कामयाबी भी चई सकूं था। 50 सालन का पोए सलामती काउंसिल जो अज कश्मीर के मामले ते इजलास थियो कश्मीर में जो जुल्म ढाढ जो थी रो है उतने भारत के तरफ का इन ही हवाले से जो हाँ ताज़ी लहर उते जुल्म जी पैदा थी जो तुम सामू आई तो उन पाकिस्तान 13 अगस्त से खत लिखो सलामती काउंसिल के इन्हों एक मामलो है जैमें कश्मीर के अंदर भारत ढाढ जो शिकार बनाए रो है कश्मीरी अवाम के उनके कतलेआम थी रो है उनते उन इजलास घुराए उनते गौर किया वे जैसे अज इजलास थो में 5 मुस्तकिल 10 गैर मुस्तकिल मेंबरन शिरकत कई। कुछ देर पहले वो इजलास खत्म थो है उनमें कुछ नुमाइंद जो ब्रीफिंग्स भी सामू आयु अजो के इन सेगमेंट में असा इन ही गालबोल कंदी मोहम्मद आलम बिरोही साहब अगुणा सफीर भी है अलावा परदेही मामलों से उनकी गहरी नज़र है इन अस गालबोल कंदी। बिरोही साहब अस्सलामुअलैकुम। बिरोही साहब तुम क्या था ऐसो इन वही अज की खबर के सलामती काउंसिल जो 50 सालन का पोए इजलास थो है अगमें भी यूनाइटेड नेशन या रेजोल्यूशन भी आने चुकी है त कश्मीर जो जो अवाम है उनके यो फैसलो दिनों वे तो उनकी मर्जी है हाँ वरी 50 साल सलामती काउंसिल इंतहाई अहम मामलो जैसे जो सो खो है उनो अहम इशू है वो कश्मीर जो इशू है तो उनते पाकिस्तान की तुम या कैदी वही कामयाबी दिसो था सलामती काउंसिल के फोरम से कामयाबी तो बिल्कुल है सही तुम पान तो 50 साल जो सो कश्मीर वो मसलो सलामती काउंसिल में आयो है इनमें को शक ना है 65 के वार का बिल्कुल जो सो कश्मीर जो मामलो रेलीगेट थी चुको हो इंडिया मुख्तलिफ तरीके से कहीं बायलैटरल इशू चवेस तो कदें चयस पीसफुल जो सो मींस के जरिए असं के हल कंदे शिमला एग्रीमेंट जो पासो वे या उन बहानो कर पर उनमें मुजाकरात कन को मुख्तलिफ तरीके से सो इन इनके निगलेक्ट किया नंबर टू यो इंडिया जो हमेशा यो मसलो भी रो तो बायलेटर डिस्प्यूट आ वरी जी कुछ कन तो वरी चवन असो इंटरनल मैटर आ हाँ भी जो उन कदम खो आको रिवोकेशन कर 370 के उनके 35 ए के उन भी इन सो कोशिश यह कई तो इनके सो असो अंदरूनी मामलो कर ॾेखारियो दुनिया के चवे इंटरनल असो मामलो आ नंबर टू जो कश्मीर में जे हालतू खराब हैं उे टेररिज्म के करें टेररिज्म जो हमेशा आंद आंद अदर साइड ऑफ बॉर्डर को जो सो इंस्पायर या स्पॉन्सर पर हाँ एक गाल ऐसो ना इन क्विक सिचुएशन में सलामती काउंसिल जो इजलास थो इजलास के कें मेंबर मुखालिफत न कई हालांकि इंडिया वाले ढी कोशिश कई थी जो इजलास न थे पर कें भी मेंबर उनकी मुखालिफत न कई इजलास उन दिनों हाँ नंबर पैं गाल है तो उनमें न सिर्फ पाकिस्तान के बुधो वो या चाइना के या इंडिया जो नुमाइंदो वेठो उनके बुधो वो पर उनको सो ह्यूमन राइट्स कमीशन जो उनको रिपोर्टू घुराई अथ वरी जे यूएन जे इत ऑब्जर्वर्स वेठा उन रिपोर्टू घुराई अथ एक्चुअल सेक्चुअल पोजिशन या पोजिशन ऑन द ग्राउंड वो सब कंसिडर उन्होंने सो तफसीली गाल बोल कई अथ तकरीबन जो सो मतलब गाल जो लाड़ो इन साइड तो हो तो हर मेंबर जो तशवीश जो इजहार किया अई इन गाल के तस्लीम किया कश्मीर वो जो मसलो वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज मसलो मसलो इन सलामती काउंसिल करारदाद मंजूर थियल सेक्रेटरी जनरल तो क्लियरली तो कश्मीर जो जो हल निकरणो वो सलामती काउंसिल के पास थियल करारदादन के खा ही निकरंदो
मतलब उन्हनि जो इहो हो त कश्मीर डिस्प्यूट शुड बी रिज़ॉल्व थ्रू दी रेज़ोल्यूशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। अच्छा ब्रिज साहब, हिकिड़ी शइ त सिक्योरिटी काउंसिल अॻु में रेज़ोल्यूशन आंदी जंहिं ते बि भारत अमल अॼु ताईं कोन कयो आहे, त हाणे जेको हीउ जेको इजलास थियो आहे इन में जेकॾहिं को सलामती काउंसिल जो को बि क़िस्म जो को फ़ैसिलो अचे थो त तव्हांखे लॻे थो त भारत उनखे मञींदो ऐं जेको जेको कश्मीर में जेका हू बर्बरियत करे पियो उन तां पोइ ते हटंदो? हा, ॻाल्हि इहा न आहे त कोई मञे थो या नथो मञे, ॻाल्हि इहा आहे त हिन वक़्तु सॼी दुनिया, मतिलबु हुन सॼी दुनिया जा नुमाइंदा वेठा आहिनि, 14-15 मेंबर आहिनि हिन वक़्तु, 5 जेके आहिनि से परमानेंट आहिनि ऐं ॿिया जेके आहिनि से नॉन परमानेंट आहिनि। हा, उन्हनि सभिनी उहो तस्लीम कयो त हे इंटरनेशनली रिकग्नाइज डिस्प्यूट आहे। बिल्कुलु, इहो जेको आहे सो इहे टेरिटोरियल डिस्प्यूट न आहे बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। त इंटरवीन केतिरी थी सघे थी इंटरनेशनल फोर्सिस जी इंटरवीन थी? इहो डिपेंड थो करे, ॾिसो न, इहो डिपेंड थो करे, अञा कर्फ्यू आहे उते, माण्हुनि जो कॉन्टेक्ट कोन्हे, को मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कोन्हे, फैक्चुअल पोज़ीशन नथी मिले। हाणे कर्फ्यू हटाईंदा इहे सभु शयूं बहाल थींदियूं, घणे वक़्त खां पोइ इहो माण्हू असां नथा चई सघूं, पर उनखां बाद दुनिया खे ख़बर पहुची वेंदी त उते जेको आहे सो ओपन जेल आहे या जेको आहे सो वाकई हे उते डेमोक्रेसी ऐं हे जेको चवनि था इंडियन उहो करण जी कोशिश था कनि, पोइ ख़बर पहुची वेंदी। उनखां बाद जेको आहे सो सलामती काउंसिल जो इजलास कहिड़े तरीक़े जो थींदो, इमरजेंसी इजलास आहिनि, रेगुलर इजलास आहिनि जो, उनखां बाद वरी रेज़ोल्यूशन कहिड़े नोयत जो पास थींदो? हिकिड़ा रेज़ोल्यूशन्स अहिड़ा आहिनि जेके बाइंडिंग हूंदा आहिनि, हिकिड़ा रेज़ोल्यूशन्स ईअं हूंदा आहिनि जेके बाइंडिंग न आहिनि, उहे डायरेक्टिव तौरु हूंदा आहिनि या जेको आहे सो ईअं चई सघिबो आहे हीअं करे ॾिसो। पर हिकु दफ़ो जेकॾहिं सिक्योरिटी काउंसिल मां को बि रेज़ोल्यूशन चाहे केतिरो कमज़ोर बि हुजे पास थी वञे त उनजो मतिलबु इहो आहे त असां हर फोरम ते कश्मीरी इशू खे जेको आहे सो खणी सघूं था। अच्छा बसि, अच्छा आख़िर में ब्रेशा रुगो इहो मूंखे ॿुधायो त हिकिड़ो त दुनिया में जेको सभ खां वॾो फोरम आहे उहो सलामती काउंसिल जो आहे जंहिंमें हीउ मामिलो अची वियो आहे, जंहिंजी त जीअं तव्हां चओ था अञा प्रोसेस में कुझु शयूं साम्हूं बचणियूं आहिनि। ॿियो वरी इस्लामी मुल्कनि जो वॾो फोरम OIC आहे, OIC अञा ताईं उन नमूने सां एक्टिव नज़र न पई अचे, तव्हां छा था सम्झो त उहा एक्टिव छो न पई थिए, असां उन ते छा अप्रोच न पिया कयूं, या उन OIC जेका आहे सां एतिरो को कश्मीर जे मामले खे सीरियस न पई वठे? ॻाल्हि इहा आहे त घणो वक़्तु अॻु में मुंहिंजो किताबु छपियो आहे 2 साल अॻु में, उन में मां लिखियो त OIC एज़ एन ऑर्गनाइज़ेशन बिल्कुलु इफेक्टिव न आहे हाणे, छो त हुन जा जेके मेंबर्स आहिनि न से उन्हनि जा पंहिंजा हिकिड़ा इकनॉमिक पोलिटिकल जेके से कंसिडरेशन्स चओ या इंट्रेस्ट चओ, जेको इमरजिंग सिचुएशन आहे इसराइल सां आहे या जेको आहे सो इंडिया सां आहे या ॿिए मुल्क सां आहे, ईरान सां आहे ऐं पाकिस्तान जो जेको आहे सो पोज़ीशन आहे न्यूट्रल, इहो आहे घणियूं ॻाल्हियूं आहिनि। इनजे करे OIC टोटली इनइफेक्टिव थी वियो, अने उनजे जाइ ते जेको आहे अरब लीग अचे वई। सही, हाणे छा आहे त OIC एज सच एज एन ऑर्गनाइज़ेशन इज़ वेरी इनइफेक्टिव, उन में को मतिलबु मतलबु पाण इहो चवंदा हाणे बसि OIC सिर्फ़ हिकु नालो ई आहे, बाक़ी उनजो उन विच में को बि हाणे बाक़ी उनजो जेको कोआर्डिनेशन कमेटी आहे UN में, हा उहो जेको आहे ॾाढो एक्टिव आहे ऐं प्लस OIC जेको सेक्रेटरीएट आहे हिन में जिदा में उहे बि एक्टिव आहे। बाक़ी हाणे अॼु ॾिसो न, असां OIC में अफ्रीकन कंट्रीज़ खे शामिलु कयो जंहिंमें अध खां वधीक मुस्लमान हुआ, उन्हनि खे शामिलु कयो, अनबिल्डी थी पियो। पोइ जेको आहे अफ्रीकन वारनि पंहिंजो जुदा जेको आहे सो यूनियन ऑफ अफ्रीकन ऑर्गनाइज़ेशन इहे ठाहे उहे पंहिंजे उन सां लॻी विया, अरब लीग जुदा थी वियो अरब मसलनि खे ॾिसण में, अनबिल्डी हो OIC जेको आहे सो एज़ ऑर्गनाइज़ेशन हली न पियो सघे। ठीकु आहे, ठीकु आहे, आलम बिरोई साहिबु वॾी महिरबानी अव्हांजी, मोहम्मद आलम बिरोई साहिबु अॻिणो सफ़ीर असां सां मौजूदु हुया टेलीफोन लाइन ते। सलामती काउंसिल जो इजलास कश्मीर जे मामले ते थियो आहे, जेका हिन मौजूदा हालतुनि में असां पाकिस्तान जी वॾी कामयाबी चई सघूं था। हिन हवाले सां सलामती काउंसिल में जेके शामिल मेंबर आहिनि उन्हनि जेका ब्रीफिंग ॾिनी आहे उन में बि इहो चयो आहे त इहा शइ डिस्कस कई वई आहे त कश्मीर जेको आहे उहो तकरारी इलाइक़ो आहे ऐं उहो भारत जो अंदरूनी मसइलो बिल्कुलु बि कोन्हे को, ऐं इन ते जेका अॻु में ई गॾियल क़ौमनि जी जेको जेको ठहराउ पास थियल आहे उन ते
उन में अमल कयो वञे ऐं उन ते कश्मीरियुनि खे पंहिंजी राय जो इज़हार जो हक़ु ॾिनो वञे। त इन हवाले सां ज़ाहिर आहे हिकु त कश्मीर ते जेको आहे जेको ज़ुल्म ॾाढ भारत जो नज़र अचे पियो ऐं उन सां गॾो गॾु जेका ग़ैर ज़िमेवाराणी जेका ॻाल्हि अॼु उतां जे बचाव वारे वज़ीर कई आहे जेका एटमी ताक़त जो या एटमी हमले जो या उनजो ऑप्शन मौजूदु हुजण जो मां सम्झा थो त इंतिहा हिकिड़े ग़ैर ज़िमेवाराणे नमूने सां उहा पॉलिसी हुननि जी हले थी पई भारत जी, पर पाकिस्तान इन हवाले सां बहरहाल सफ़ारती सतह ते इंतिहा वधीक कामयाबु आणी आहे। ऐं ईंदड़ वक़्त में अञा कुझु ॾींहनि में सलामती कौंसिल छा डिस्कस कयो आहे, छा करणु पई वञे या रेज़ोल्यूशन जे तरफ़ वञे पई, इहो त कुझु ॾींहनि में पतो पइजी वेंदो। बहरहाल इन सां इहो हिकिड़ो ज़रूरु थियो आहे त 50 सालनि खां पोइ दुनिया जे सभ खां वॾे फोरम में कश्मीर जो आवाज़ु ॿुधो वियो आहे ऐं कश्मीरनि जी दाह खे उते ॿुधो वियो आहे। ब्रेक जो वक़्तु आहे, ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ असां ज़िक्र कंदासीं ताज़ो आयल बरसातनि खां पोइ ठटे ज़िले जी जेका साहिली पटी आहे उहा सख़्तु मुतासिर थी आहे, काफ़ी ॻोठ इलाइक़ा पाणी हेठि अची विया ऐं उन काफ़ी तबाही मचाई, उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाण ब्रेक खां पोइ।